क्या आपको पता है कागज़ फैक्ट्री में कैसे बनता है? फैक्ट्री में सिगरेट किससे और किस तरह बनती हैं? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली तकरीबन सारी चीज़ें फैक्ट्री में मशीनों की मदद से बनाई जाती हैं, और इनको फैक्ट्री में बनते हुए देखना किसको पसंद नहीं। सब जानना चाहते हैं आखिर इन चीज़ों को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी नोटबुक यानी पेपर, दीवार पर लगने वाला पेंट और भी बहुत से कमाल की चीज़ें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इससे आपका 100% नॉलेज बढ़ने वाला है। नंबर एक पे है पेपर मेकिंग प्रोसेस। कंप्यूटर के आने के बाद कागज़ का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे दरख्तों की कटाई में कमी आ रही है। लेकिन आज भी बुक्स और डॉक्यूमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में पेपर कैसे बनता है। मजबूत पेपर बनाने के लिए खासतौर पर कॉनिफर वुड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले दरख्तों को काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें मशीन में डालकर इनका पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद पाउडर को एसिड सॉल्यूशन के साथ पकाकर इससे फाइबर को अलग कर लिया जाता है। इस सॉल्यूशन को फाइबर से अलग करने के लिए पल्प यानी कोदे को पानी से धोया जाता है, जिससे वो और भी सॉफ्ट हो जाता है, जिसके पल्प को ब्लीच किया जाता है, जिससे कागज और भी सफ़ेद हो जाता है। इसके बाद पल्प को सुखाया जाता है और अगले मतलब के लिए पल्प को पेपर मिल में भेज दिया जाता है, जहां पल्प में पानी, कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्टिकल ब्राइटन और क्ले को रोटेटिंग प्लेट की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाता है, जिससे पेपर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि 1 किलो पेपर बनाने के लिए तकरीबन 100 लीटर पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 90% पानी दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमारे में पल्प सॉल्यूशन को दो रोटेटिंग वायर्स के दरमियान में से हाई प्रेशर के साथ गुजारा जाता है, जिससे पल्प में मौजूद अजाफी पानी निकल जाता है, जिसके बाद पल्प को हाइड्रोलिक रूलर की मदद से निभाकर पेपर शीट्स में बदल दिया जाता है। इसके बाद शीट्स को सुखाने के लिए गर्म रोलर में गुजारा जाता है। पेपर की शीट्स पूरी तरह तैयार होने के बाद इन्हें अलग अलग साइज़ के मुताबिक काट कर रोल बनाने जाते हैं, और बाद में इन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहां आगे चलकर उनसे अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए काम किया जाता है। उन्हें पेपर को एक साथ इकट्ठा करके तो हमारी नोटबुक भी बनती है। और नंबर दो पर है सिगरेट मेकिंग प्रोसेस। सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इस पर बनी एक तफसीली और मजीद मज़े से भरपूर वीडियो आप स्मार्टली पी के पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन फैक्ट्री में सिगरेट्स को बनते हुए देखना हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि सिगरेट को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तंबाकू के बड़े बड़े पत्तों को तोड़कर को इकट्ठा करके फैक्ट्री तक भेजा जाता है, जहाँ पर इनको काफ़ी दिनों तक रखकर इनकी नमी ख़त्म करके सुखाया जाता है। इसके बाद इन सूखे हुए पत्तों को एक मशीन अलग कर देती है। अगले मरहल में इन अलग किए गए पत्तों को एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर लगे कंप्यूटर कैमरे और सेंसर से अच्छी तरह से चेक किया जाता है, जिसके बाद इसमें बहुत से नुकसानदायक केमिकल डाले जाते हैं, जैसे कि निकोटीन डार्क और 11 इस जैसे एक और केमिकल डाले जाते हैं, जिनमें से कुछ चूहे मार गोलियों में भी डाले जाते हैं, और इन तमाम केमिकल से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। और अगले मरहले में इस मिक्सर को मैच्योर होने के लिए कई दिनों तक बॉक्सेस में रखा जाता है, जिसकी वजह से सिगरेट्स को इसका खास जायका मिलता है। आखिरी मरहले में इस केमिकल ज़्यादा और तंबाकू कम वाले सिगरेट्स में फील किया जाता है। ये सारा काम एक मशीन में खुद सरंजाम देती है। इसके बाद इसके जायके और मीदार को चेक करने के लिए फैक्ट्री में मौजूद एक लेब में भेजा जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद इनको पैक करके शॉप पर भेज दिया जाता है। और नंबर थ्री पर है पेंट मेकिंग प्रोसेस। पेंट बनाने के लिए कई तरह के इंग्रेडिएंट्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत बड़े मिक्सर में पानी के साथ वाटर सॉल्ट, सॉफ्टनर, थिकनेस, डिस्पर्शन एजेंट्स इस जैसे बाई रेगडेंस डालकर
खाल दर्जा तक गर्म किया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद इस मिक्सर को ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। मिक्सर ठंडा हो जाने के बाद इसमें अलग अलग रंग के पिगमेंट्स डालकर पेंट तैयार कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये तीनों चीज़ें फैक्ट्री में तैयार की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।